नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इन इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों ये कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों में रहता है जब भी वो किसी चीज़ का फॉर्म भरते हैं कि हम इसका एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हम किस बुक से पढ़ें, किस पैटर्न से पढ़ें। ये कन्फ्यूजन सभी लोगों में रहता है, चाहे वो ट्रेड्समैन, कॉन्स्टेबल, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, सिविल जॉब्स या फिर ड्राइवर की गवर्नमेंट जॉब, किसी भी चीज़ की तैयारी करें। तो दोस्तों आज मैं इसमें सभी सब्जेक्टों को कवर नहीं कर पाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो टॉपिक है रीजनिंग का। दोस्तों मैं रीजनिंग के बारे में आपको कुछ संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, आप कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें और किस तरीके से आप अपनी रीजनिंग को बेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों ये वीडियो पूरी जरूर देखना अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आप भी गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं। दोस्तों देखो मैं बता दूं, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर आप आर्मी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपने फिजिकल की अच्छी तैयारी कर ली, फिजिकल क्लियर कर दिया, आपसे रिटन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो, वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है। आप किसी भी भर्ती से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अगर एग्ज़ाम को लेकर, और ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम में ही डिस्क्वालीफाई होते हैं। दोस्तों अगर हम रीजनिंग की बात करें, मैं कुछ बुक आपको दिखाने जा रहा हूँ रीजनिंग की, ये हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है। आप इन बुक से पढ़ें रीजनिंग की, इन बुक से घर पे तैयारी करें, या किसी कोचिंग में अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं इन बुक्स को अपने डेली रूटीन में ज़रूर लाएं, आपको 100% इनका रिजल्ट मिलेगा। आप मैं ये आपके सामने ये बुक अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ, या मेरे दोस्त हैं जो कि खुद गवर्नमेंट जॉब्स पे हैं तो उन सब ने या मैंने हमने इन्हें पढ़ा है और हमें इसका फ़ायदा हुआ है जब भी मैं ये बुक आपको बता रहा हूँ। दोस्तों रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसे एक बार उस बुक को क्लियर कर लेते हो फिर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर फिर जैसे आप बीच में ब्रेक ले लेते हो, कोई भर्ती नहीं है, तो आप घर पर भी उसे रिवाइज कर सकते हो। रीजनिंग कई लोगों को बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है, लेकिन रीजनिंग मेरे को जैसा लगता है, या तो मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि मैंने उस बुक को पढ़ा, मुझे रीजनिंग आज तक भी सबसे आसान सब्जेक्ट रीजनिंग ही लगता है, और ये काफ़ी लोगों को लगता है जिसे रीजनिंग समझ आ जाती है। दोस्तों जो मैं बुक आपको दिखाने जा रहा हूँ आप इन बुक से पढ़ें, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आइए देखते हैं बुक्स को। तो दोस्तों ये वो बुक है जो मैं आपको, जिस बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, ये रीजनिंग की बुक है। इस वीडियो में मैं आपको दो बुक दिखाने जा रहा हूँ जो रीजनिंग की, अगर आप इनसे इन बुकों को अपनी डेली रूटीन में लाते हैं तो आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों पहली बुक ये है जो कि आर के झा सर की है, इसमें आपको 5000 से अधिक क्वेश्चन हैं, सही उत्तर पाने के लिए युक्तियाँ, त्वरित और संक्षिप्त विधियाँ हैं, SSC बैंकिंग और LIC परीक्षा हेतु है। दोस्तों अब आप ये मत सोचना कि मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं आर्मी, डिफेंस और आर्मी तो एक ही बात होगी, या मैं पुलिस की इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इस पर तो लिखा है SSC। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन इसमें, 2020 का लेटेस्ट एडिशन है, आप इसे पढ़ें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों दूसरी बुक जो है वो है राकेश यादव द्वारा जो लिखी गई बुक है, रीजनिंग फॉर SSC, दूसरी बुक ये है। दोस्तों ये दोनों बुकों को आप अपने शेड्यूल में, डेली रूटीन में इस्तेमाल करो। आपको रीजनिंग अगर बेस्ट करनी है तो दोस्तों मेरे हिसाब से इससे बेस्ट बुक आपके लिए कोई नहीं हो सकती, आप इन्हें यूज़ करो, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।